प्यार का सिलसिला आज चरम सीमा पर। ज्योति मौर्य और आलोक के बाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है प्यार का सिलसिला। बदायूं जनपद से एक सबसे बड़ी खबर, मिर्जापुर जिले की ज्योति को बदायूं के युवक से हुआ प्यार। कोई कहता है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर का प्यार केवल कहानी बनकर ही रह जाती है किताब की, लेकिन आज इन लोगों ने एक मिसाल कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती आज शादी तक पहुंची। ज्योति ने यशस्वी को प्रार्थना पत्र देकर लगाई सुरक्षा की गुहार। ज्योति ने अपने पिता पर लगाए गंभीर आरोप, माँ के अलावा अन्य महिला को रखेल बनाकर रखता है मेरा पिता। पिता का रवैया खराब होने की वजह से नहीं कर पाई मैं आगे की पढ़ाई। इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत प्यार में बदली। ज्योति ने बदायूं के युवक के साथ आर्य समाज मंदिर में रचाई शादी। यशस्वी को प्रार्थना पत्र देकर पति व ससुरालियों की सुरक्षा की लगाई है गुहार। मैडम क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा पांडे। कहाँ से हैं आप? मिर्जापुर। किस बात को लेकर यहाँ पर आई हैं? मैं यहाँ बरेली के एडीजी साहब के पास अपनी और अपने ससुराल वालों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर गुहार लगाने आई हूँ। क्या मामला था? मामला, हम दोनों ने लव मैरिज करी है और मेरी फैमिली वाले आके इनकी मतलब मेरे ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, लड़की को मार डालेंगे, ये सब। शादी कब की आपने? शादी हमने 26 जून को करी। आखिर प्रॉब्लम क्या आई है आपको? प्रॉब्लम बस हमको यही है कि मेरी और मेरे ससुराल वालों की सुरक्षा हो, कोई भी चीज़ के दबाव उन पर ना डाला जाए, मेरी फैमिली उनको कोई भी मतलब कोई भी तरह का टॉर्चर ना करे। आप बालिग हैं? हाँ, हम बालिग हैं। मेरी उम्र 19 साल 3 महीने है और हमने अपनी मर्जी से बिना किसी के जोर दबाव, किसी भी तरह की कोई भी मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। मैंने अपनी मर्जी से इनसे लव विवाह किया है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं बालिग भी हूँ। मैंने 2019 में इंटर कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने बीएससी का भी फॉर्म डाला, लेकिन मेरे पापा ने मतलब हमें पढ़ाई आगे करवानी नहीं थी, वहाँ से मेरी पढ़ाई बंद कर दी उन्होंने। और मेरे पापा किसी दूसरी औरत के चक्कर में भी हैं, उन्होंने दूसरी औरत रखा हुआ है, जिसके वजह से वो हमें और मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, भाई बहन सबको बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं। इस वजह से मैंने जो भी किया है इनसे सोच समझ के मैंने लव विवाह किया है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। आने वाले टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरे और मेरे ससुराल वालों पे आती है तो उसकी जिम्मेदार मेरी फैमिली होगी, मेरे पापा होंगे। आपकी इनसे मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? मेरी मुलाकात इनसे इंस्टाग्राम पे हुई आज से 5 साल पहले। आपने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने मतलब यहाँ पे मैंने दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है आपने जो किया बहुत सही किया है और हम आपकी आगे हेल्प करेंगे।